गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम और कैलाश। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हो गया है फ्राइडे और सुबह के 11 बजे हैं। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और कल रात से ना मेरे हेडेक हो रहा था। कल मैं अपनी फ्रेंड के वहाँ गई थी ना हल्दी कुमकुम में, तो वहाँ मैंने दो वड़ा पाव खा लिए थे, उसके बाद आके मैंने घर में खाना नहीं खाया। तो शायद एसिडिटी की वजह से मेरे हेडेक हो रहा है, दर्द हो रही है सर में। कल रात से दर्द हो रही है, आज सुबह और ज़्यादा हो गई थी। तो मैं सुबह से ना लेटी हुई थी, मम्मी ने सारा काम किया और हस्बैंड तो चले गए ऑफिस। तो अभी फटाफट से मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि कल का भी मेरा ब्लॉग मिल गया है, क्योंकि मैं रात को एडिटिंग ही नहीं कर पाई थी। तो अभी यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हेडेक हो रहा था, तो मम्मी ने सुबह का ब्रेकफास्ट बनाया था। मम्मी ने ब्रेकफास्ट में आलू के गुटके और रोटी बनानी थी, तो हम सब ने वही खाया। तो अभी ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई हूँ और मम्मी भी अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और अभी लंच मुझे ऐसा कुछ खास नहीं बनाना है, बस खिचड़ी बनानी है। वो नौमी जब आएगा ना तो मैं गरम गरम तभी बनाऊँगी। और अभी बस मैं बैठ के यहाँ पे एडिटिंग करती हूँ, तो क्योंकि ना मेरा कल का व्लॉग भी नहीं गया है थर्सडे वाला, तो वो आज अपलोड करूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी इवनिंग का टाइम है और इवनिंग के 5 बज गए हैं और अभी चाय पीने का टाइम है, तो मैं अपने और मम्मी के लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय के साथ ना कुछ स्नैक्स खाने का मन कर रहा था, तो फ्रिज में मेरे पास थोड़ा सा मकैन्स पड़े हुए थे, तो मैंने यहाँ पे मम्मी और अपने लिए थोड़ा मकैन्स ट्राई कर लिए। थोड़ी देर में नौमी भी ड्राइंग क्लास से आ गया था, तो मैंने उसे भी दूध दे दिया है। आजकल नौमी भी ना अपने सारे काम धीरे धीरे खुद से करने लगा है, खुद से दूध भी पीने लगा है और खाना भी खाने लगा है। अभी शाम के 6:30 बज गए हैं। दोपहर के बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हेडेक इतना ज़्यादा हो गया था। उसके बाद मैंने मेडिसिन ली, तो मैं फिर सो गई थी थोड़ी देर। और नौमी ड्राइंग क्लास से आया है, अभी हम लोगों ने भी चाय पी ली थी, फिर नौमी को भी मैंने दूध दे दिया है। और अभी मैं थोड़ी देर ना यहाँ पे बालकनी में बैठूंगी, क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम में बैठने में ना बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और देखो यहाँ की लाइटें जली है, रात हुई ना तभी जली। हाँ रात हो गई ना गाइस, तभी जली है लाइटें। और वो भी एक लाइट जली है, वो भी लाइट जली है, देखो नौमी ने आज क्या सीखा? आज नौमी ने ड्राइंग में क्या बनाया? अभी मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। आज मैं डिनर में आलू न्यूट्रेला की सब्जी बना रही हूँ और हस्बैंड के लिए दाल बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ना न्यूट्रेला नहीं खाते, तो मैं उनके लिए दाल बना रही हूँ। वो टूर पे गए हैं तो देर से ही पहुँचेंगे। और कुछ और सुबह के थोड़े से आलू हैं तो वो आलू खा लेंगे। उसके बाद मुझे नौमी का होमवर्क भी कराना है, तो कल और परसों तो उसको छुट्टी है सैटरडे संडे की, बट वो ना छुट्टी के दिन फिर वो लेजी हो जाता है, तो इस वजह से वो होमवर्क करने में थोड़ा मन का नहीं करता है। तो क्योंकि अभी टाइम भी है और अभी ऐसा कुछ काम भी नहीं है, तो उसे जल्दी से मैं होमवर्क करा देती हूँ। मैंने उसे दिन में 1 घंटा सुला दिया था, तो इसलिए वो अभी जल्दी नहीं सोएगा, तो मैं उसे अभी होमवर्क करा दूँगी। चलिए फटाफट से डिनर बना लेते हैं, उसके बाद नौमी को होमवर्क करा दूँ। क्या हुआ? ऐसे नहीं करो बेटा, ऐसे नहीं करो, यहाँ पे बैठ जाओ।
जब भी मैं किचन में कुछ काम करने आती हूँ ना या खाना बनाने आती हूँ, नौमी की हमेशा आदत है कि वो भी पीछे पीछे मेरे साथ किचन में आ जाता है और फिर जो वो कहता है वो मुझे करना पड़ता है। कभी कभी ना बच्चों की बात ना चाहते हुए भी हमें माननी पड़ती है। उसके बाद किचन में आते ही उसकी शैतानियां शुरू हो जाती हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ नौमी को होमवर्क कराने। आजकल ना नौमी को होमवर्क कराना उतना मुश्किल नहीं होता है, फटाफट से वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। होमवर्क करते वक्त नौमी मेरे से बोला कि मम्मा होमवर्क कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा। नौमी को ना गाड़ियों का बहुत शौक़ है, तो वो जब भी कोई गेम खेलता है तो वो गाड़ी वाला ही गेम होता है उसका हमेशा। तो कभी मम्मी उसके साथ खेल लेती हैं, कभी मुझे अपने साथ खेलने में लगा लेता है, तो उसका यही सब चलता रहता है। ज़्यादातर वो मम्मी के साथ ही खेलना पसंद करता है, क्योंकि वो जो भी कहता है ना उसकी बा उसकी हर बात मान लेती है, तो उससे मम्मी के साथ ही अच्छा लगता है खेलना। यहाँ पे ना वो बार बार मेरी आईज क्लोज करवा रहा था और एक एक लाइन लिखते जा रहा था। तो ऐसे ही मस्ती मजाक के साथ बच्चों को पढ़ाना इजी रहता है। प्रेशर डाल के बच्चों को ना पढ़ा हुआ समझ में आता है और ना ही वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। फाइनली यहाँ पे नौमी का तो अभी नौमी को होमवर्क मैंने करा दिया है और अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठूंगी। उसके बाद ना मैंने थोड़ी देर उसके साथ खेला भी। उसको ना गाड़ियों का बहुत शौक है, तो वो हमेशा गाड़ी वाला खेलो बोलते रहता है। तो कभी मम्मी भी खेल लेते हैं उसके साथ और कभी मैं भी खेल लेती हूँ। तो आज मैंने खेला उसके साथ। कभी कभी बच्चों के साथ खेलना भी ना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम पास भी होता है और अच्छा लगता है उनके साथ खेलना। तो अभी डिनर करने में टाइम है, अभी 8:30 बज गए हैं। हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे तो हम लोग साथ ही डिनर करेंगे। तो अभी डिनर हमारा हो गया है और किचन भी मैंने पूरी क्लीन कर दी है। हस्बैंड भी थोड़ी देर पहले आ गए थे और नौमी को भी मैंने सुला दिया है। कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैंने छिलके वाली मूंग लगा दी है, उसके कल मैं छिले बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। और लंच के लिए मैंने
रहती गाती हैं। तो कल आपको पहाड़ की एक और भटकी मज़ेदार सी रेसिपी मिलेगी, तो कल का ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।